सो बारी है ये मैवरिक 440 की, हीरो की, जो एक्चुअली में मुझे लगता है, अरे यार ये बारिश की वजह से ना, इस देखो यही चीज़ इसमें भी अच्छी, बस वही बटन्स नहीं है, डिजिटल वाला सीन नहीं है, वही इसका थंब ज़्यादा अच्छा है। ये भी सारा बेटर लग रहा है मुझे, गियर शिफ्ट भी। इसका देखो ये जो गियर लीवर है ना, इसकी पोजीशनिंग भी अलग है, तो मुझे लगता है मुझे ये वाली एक पोजीशन की ज़्यादा अच्छी लगती है फिर। इसमें आपने हल्की सी अगर पोजिशन में हल्का सा आगे की तरफ है, ये बस इसका मीटर वेस्ट कर देते ना भाई, है जैसे लो साइकिल का मीटर लगा दिया इसमें, थोड़ा सा मीटर बड़ा होता ना तो ये बहुत सही ऑप्शन है। अरे भाई चल रहे हैं पंच, देखो सेम है क्योंकि इंजन सेम है, लेकिन मुझे ये वाले शायद ज़्यादा सही लगता है, ये वाला पुश। लेकिन लॉन्ग राइड पे आपका जो हाथ पे वेट है ना इसमें आ रहा है थोड़ा सा, तो वो बढ़ जाएगा, वो तो थोड़ा सा उसमें भी आ रहा था हार्ली में भी, लेकिन पता क्या था कि हार्ली का क्या सीन है कि उस वाली वाली पर्टिकुलर बाइक का तो मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, क्योंकि एक हाथ में वेट आ रहा था, उसका मतलब ये है कि उसमें कोई प्रॉब्लम थी। अरे उल्टे हैं, उल्टे एक ना आते हैं ना वैसे कहने को, हेलमेट पहना रूल ये करो, लेकिन उल्टा आ रहा है वो तो हिली के लिए, वो कोई नहीं बेटर क्योंकि वो कैमरे में नहीं आ रहा ना उल्टा, मतलब उनको सिस्टम बनाना चाहिए जो उल्टा जा रहा है, अगर उनको पीछे वाला दिख गया भैया तो उसके चलान काट दें। ये सब इस वाली बाइक का तो वॉक थ्रू बनता है यार, ये मेरे को अच्छी लग रही थी जब मैंने पहले भी एक बार राइड करी थी, वीडियो में बनाई थी, लेकिन भाई इस बाइक का अलग ही फील है। एग्जॉस्ट मोड सुन में रुको अभी सुनाते हैं, एग्जॉस्ट मोड तो बहुत सही है इसका यार, इधर मुड़ जाते हैं, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि यार तो नॉर्मली पता है कि इंडिकेटर ऐसे हैं जो ये चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा रॉयल एनफील्ड में चेंज कर दिए ना, तो आपका नेचुरल बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया। चलो 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 चलो, चलो। मुझे पर्टिकुलर ये जो 400 cc की पूरी सेगमेंट है ना, इसमें ये चीज़ अच्छी लगती है, इंजन में इतना बढ़ना कि आप सिटी ड्राइविंग में भी इंजॉय करोगे, जो अगर इसके भी थोड़े हार्ड है ऐसे क्यों हो रहा है ना, जगह नहीं मिलती कम की, सोचे बंदा इंजन पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन गेट भी तो लगा पड़ा है, बस उसकी गेट भी बना लेते हैं कम से कम कुछ तो साफ है, मुझे लगेगा मुझे अथॉरिटी आ गया क्या। हाँ ये तो हुआ जहाँ पे गाड़ियों टाटा चलाते हैं, फिर गोबर शोबर है गाँव सारी वहाँ, मैं अरे भैया भैया मुझे पसंद नहीं लग रहा बाइक। मतलब हाँ देखो पैसा बहुत टाइम से मैंने लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ कम ही जगह पे हीरो के जो शोरूम है बेसिकली वही हार्ली बेचते हैं ना, तो बहुत कम ही जगह पे था कि ऐसा मिल जाए इजिली, तो इसलिए नहीं मिल पा रही थी। अब यहाँ पे मैं आपको इसका पहले तो एग्जॉस्ट में पहले सुनाया था, एक वॉक थ्रू बना लेंगे, बंद ना हो जाए ना। साइलेंट है इतनी आवाज़ नहीं कि यहाँ ही वाइब्रेशन है, इसलिए रात रखो तो बंद हो जाती है, तो थोड़ा सा मतलब क्वालिटी में प्रॉब्लम है, वहीं पर डॉक्टर बना लेते हैं। Thank you.
सही लुक वाइज में ये कंप्लीट है, बस इसमें ये वो ठीक कर देते ना, मुझे लगता है कुछ चीजें ना छोड़ रहे हैं आजकल कि इंटरफेक्शन करेंगे, परफेक्ट नहीं बनाएंगे कुछ भी, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। मुझे नहीं लगता हार्ली ने ये हरकतें इसलिए करी है ताकि सॉरी हीरो ने ऐसी हरकतें इसलिए करी है ताकि हार्ली होते। अब हार्ली देखो ऐसे महंगी भी है, मैं कहता हूँ कि अगर सेम फ्यूल चलाने का जो इशू नहीं हुआ है तो क्यों फिर एक्स्ट्रा पैसे देने, पैसा ही पैसा होगा। और देखो लॉन्ग टर्म में तो हीरो ही इसको वो देगा ना, मेंटेनेंस तो हीरो ने ही करनी है, तो फिर हीरो भी और ले लो पैसे भी कम देने होंगे, और जो पैसे दोनों को बचे ना भाई उससे आप राइड कर लो, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है। तो चाहिए आपकी राइड लॉन्ग राइड स्पॉन्सर हो जाएगी भाई हार्ली होंगे हीरो हार्ली। ये कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ ना तो डर लगा रहा था गिर ना जाएगा, क्योंकि मैंने मिट्टी गया। अगर आपको जानना है कि मैं कौन सा कैमरा आजकल ड्राइविंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो कमेंट करके एक अलग से पूरी वीडियो बना देंगे उस पर। अभी हमें जाना तो यहाँ से इधर है लेकिन घूम के ही जाएंगे। ये वाला हीरो है सेक्टर 5 में आएगा। लास्ट में हम जहाँ गए थे आई थिंक सेक्टर 71 था या कुछ तो था, उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उन लोगों के पास जो हार्ली थी वो ख़राब थी, मतलब एक ही बाइक थी उनके पास टेस्ट राइड की वो भी ख़राब थी, मतलब मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं हीरो वाले ढंग से। अगर हार्ली की हार्ली लेने गए तो हो जाए काम, फिर वहाँ पर सबसे सस्ती बाइक होगी वो है तो कंप्लीट लग रही है मुझे हार्ली में तो कंप्लीट बाइक लगी है। सो गाइस आज की वीडियो को सही ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास हार्ली डेविडसन X440 के दो कलर्स ये हो गए, मैवरिक का ये कलर है, मैवरिक में आई थिंक एक ब्लू कलर और है, और ऐसे इसमें येलो कलर और है जो बेस मॉडल है, लेकिन ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं तो इनमें से यू कैन चूज़ अगर आपको कोई कलर अच्छा लग रहा हो। मुझे तो ये ज़्यादा बेटर लगा, थोड़ा हार्ली फील है इसमें। अरे ये ज़्यादा बढ़िया यार, अरे ये इसमें ना हाँ वो एक फील भी है लेकिन उसमें हार्ली वाला फील तो है ही नहीं, मतलब अगर आप हार्ली बोलते हो हैंडल इसका नॉर्मल है क्योंकि रोडस्टर है तो वो फील ही नहीं आ रही, तो फिर एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने हैं। कितना फ़र्क है दोनों के प्राइस में? 50,000 बताओ। 50,000 में राइड हो जाएगी आराम से लंबी, वही पावर है वही सब कुछ। ये ज़्यादा बढ़िया लगी, कम से कम कम्प्लीट तो लग रही है, और मीटर तो देखो थोड़ी देर में ध्यान से हट ही जाता है। मीटर तो है वही पर फीचर सब वही है जो इसमें। हाँ छोटे सा बना दिए ना, मतलब अगर आप देखो ना तो ओवरऑल प्रोपोर्शन की जो बात करते हैं बस मीटर की प्रॉब्लम है, बाकी सब बढ़िया है इसका। यार ये रस्ट वाला जो इशू है ये सब जगह पे, इसको कैसे मेंटेन कैसे करेंगे लॉन्ग टर्म में? इसमें तो ये सर ये एक्चुअली क्या है ना, ये जैसे ये आ गया, हाँ जैसे यहाँ रस्ट है तो ये सारा रस्ट है, ये थोड़ा साफ करना होता है, साफ करने में थोड़ा सा तो साफ होना चाहिए। ये ज़्यादा बढ़िया है यार, ये कंप्लीट लग रही है, मतलब एक फील है ना पूरा कि कंप्लीट है भाई। राइडिंग के लिए पैसा ज़्यादा है, 50,000 रुपये बच रहे हैं भाई। देख ही चला के पहले यही हाँ। लेने वाले थे। उससे चलाने के बाद ये ऐसे हल्की सी, ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है, इसमें थोड़ा स्टैंड ना ऐसा है हल्का सा आगे की तरफ को, यही चला के देख ले तो दुनिया में, तो मेरे को तो ये ज़्यादा बढ़िया लगी। इसका जो आगे का जो टायर है ना इसका फील भी अलग है। ज़्यादा सही लग रही है तेरे भाई, ये वो है ना लाइट की है, ये हल्की सी आगे की तरफ को वो है ना, बट इसमें वो नहीं है इतना अच्छा पिकअप नहीं है जितना उसका है। नहीं नहीं पिकअप तो सेम ही होगा ना, इंजन तो सेम ही है, पिकअप मुझे लगता है कि जो तेरे को लग रहा है ना वो लग रहा है क्योंकि इसका आगे का व्हील बड़ा है तो पोस्चर भी होता है ना पीछे की तरफ को डाउन लग गया है ना, स्टैंड छोटे हैं दोनों के। और मुझे हाँ वही वो बता रहे हैं कि साफ़ करते रहना पड़ता है, क्योंकि मैंने नोटिस में वही करा कि यहाँ जैसे जितने भी जॉइंट्स हैं ना जहाँ वॉशर बेसिकली वो लगे हुए हैं स्टील के बोलते हैं ना, स्टील के वॉशर होते हैं ना जहाँ जहाँ तक वहाँ वहाँ पे रस्टिंग। लॉन्ग टर्म में जब मेरे पास जब बातचीत थी ना तब मैं एक स्प्रे रखा हुआ था, वो स्प्रे मारता रहता था मैं। हाँ वो तो थोड़ा थोड़ा सा केयर करनी थी, यहाँ तो हमारी हाँ करते नहीं लोग। अब ये चीज़ें कॉमन है दोनों में, अगर तू देखना तो इसकी चेसिस देख, फ्रेम सेम है
यहाँ तक पूरा फ्रेम सेम है, पूरा ही फ्रेम सेम है, कुछ फर्क है ही नहीं। कि अगर आप बोलो कि शायद सब फ्रेम अलग हो, सब फ्रेम भी सेम ही है, उसने क्या करा कि वहाँ से डिज़ाइन में बस चेंज कर दिया कि यहाँ से लंबा खींच दिया, लेकिन जो फ्रेम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। 50,000 का